हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्रीलंका और मालदीव्स की 11 दिनों की हमारी टूर के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड है और खुश है। आज रात की श्रीलंका एयरवेज की 9 बजे की फ़्लाइट है जो कि 11 बजे मुंबई से कोलंबो पहुंच जाएगी। श्रीलंका के लिए हमने ऑनलाइन ETA मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अप्रूवल ले लिया है जिसका कोई चार्ज नहीं लगा है। इसके बेसिस पे हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। हमारे दोनों की टिकट श्रीलंका और मालदीव्स का कुल मिलाकर 53,000 का पड़ा है। हमने ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले लिया है जो 2300 में पड़ा। यह मील का मेनू है जो सभी को दिया गया। हमने तो बुकिंग के वक्त ही वेजिटेरियन मील के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट कर दी थी। कोलंबो एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है लेकिन वीज़ा के लिए फॉर्म भरना पड़ा और लाइन लंबी थी। जब हमारा वीज़ा हो गया तब तक हमारा सामान आ गया था। यह है एयरपोर्ट ट्रांजिट विला। हम कल रात करीब रात को 1 बजे यहाँ पहुँचे थे और रात अच्छी गुजरी। यहाँ पर विद ब्रेकफास्ट के $10 लगे। रूम ठीक ठाक है। आज 11 जनवरी 2020 हम सिगिरिया जा रहे हैं जो कि 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कोई डायरेक्ट बस या ट्रेन नहीं है इसलिए रात को ही हमने कार वी ड्राइवर बुक कर ली है। हम 10 बजे सिगिरिया के लिए स्टार्ट हो गए हैं। ड्राइवर को इंग्लिश आती है और गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मर्सिडीज वैन है, काफ़ी आरामदायक और स्पेशियस है। यह हमारा पहला फोटो स्टॉप है। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक और माउंटेन पर बुद्धा का स्टेचू है। यहाँ पर हम ऑन द वे लंच करने रुके लेकिन वेज में कुछ खास नहीं था इसलिए हमने समोसे और केक से काम चलाया। वाह, नारियल बहुत ही मीठा है, मज़ा आ गया। फाइनली हम आज के गेस्ट हाउस पहुंच गए। इसका नाम नेचर नाइट होमस्टे है और यहाँ का चार्ज $18 है इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। होस्ट बहुत अच्छे लोग हैं और कमरा अबव एक्सपेक्टेशन है। कमरे में सब फैसिलिटीज़ है। यहाँ तक आने का कार का किराया $45 यानी 8,000 श्रीलंकन रुपीस हुए हैं। यहाँ पर US डॉलर भी चलता है लेकिन श्रीलंकन रुपीस में पेमेंट करना बेटर रहता है। यह है सिगिरिया रॉक का एंट्रेंस। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और ऊपर चढ़ने की 1200 सीढ़ियाँ हैं। एंट्री टिकट $15 है।
ऊपर कैमरा अलाउड नहीं है। हम थक चुके हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ की आसपास की जगह पर जाकर फ़ोटोशूट करेंगे। इसके लिए हमने एक टुक टुक किराए पर लिया 2 घंटे के लिए 3,000 रुपये में। सिगिरिया श्रीलंका का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टूरिस्ट पॉइंट, जो कि ज्वालामुखी से निकले लावा से बना हुआ है। लोग इसे 8वां अजूबा भी मानते हैं। 5वीं शताब्दी में वहां के राजा कश्यप ने इसके ऊपर रॉयल रेसिडेंसी बनवाई थी। वहां वो अपनी 2000 रानियों के साथ रहता था और उसके कुछ सौंदर्य चित्र आज भी वहाँ देखे जा सकते हैं। यह आखिरी स्टॉप है, यहाँ पर हमने काफ़ी फ़ोटो खींची और टुक टुक ने हमें यहीं छोड़ दिया। इस लिटिल हट कैफेटेरिया में हमने श्रीलंकन चाय पी और कुछ वक्त वहाँ पर बिताया। यहाँ से गेस्ट हाउस पैदल ही जा रहे हैं। रास्ते में यह एलिफेंट दिखा, यहाँ पर एलिफेंट की सफारी भी कर सकते हैं। रहने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर गेस्ट हाउस और होम स्टे ही है, जिनके बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हम डिनर का वेट कर रहे हैं। होस्ट हमारे लिए खाना लेकर आए, जिसमें राइस और डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल करी थी, दाल, कोकोनट करी, आलू, भिंडी, बैंगन, जिसे पापड़ और पिकल के साथ सर्व किया गया। इस तरह हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा अमेजिंग रहा। कल हम सुबह पिदरुंगा रॉक पर सनराइज़ देखेंगे और बाद में डांबुला होते हुए कैंडी सिटी जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।